गुड मॉर्निंग। इंश्योरेंस क्लेम जिसमें मैंने आपको कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस के बारे में बताया था सब कुछ, उसका क्वेश्चन देखते हैं। और उसके सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, सारे एक ही पैटर्न पे चलना है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आप सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे करोगे, अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। रूल्स का ध्यान रखना है, रूल्स ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत होने नहीं, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है ले रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि 1 मार्च 2018 को एक्स वाई लिमिटेड का भवन आग लगने से आंशिक रूप से नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप 31 अगस्त 2018 तक व्यवसाय बाधित रहा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेट लिखनी है आग लगने की। डेट ऑफ फायर 1 मार्च 2018। और बिजनेस डिस्टर्ब कब तक रहा है, 31 अगस्त तक। डिस्ट्रप्शन पीरियड अगस्त 2018। कितने महीने हो गए, देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने में इसने 1,65,000 रुपए की परिणामी हानि का बीमा लिया था और क्षतिपूर्ति अवधि भी 6 महीने के लिए थी। तो इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने है, क्षतिपूर्ति की अवधि 6 महीने, मतलब 1 मार्च 2018 से 31 अगस्त। अच्छा, मान लो इसमें अवधि में चेंज हो जाए, जैसे मान लो डिस्ट्रप्शन बिजनेस डिस्टर्ब रहा 10 महीने और आपने इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने लिया है, क्षतिपूर्ति अवधि इंश्योरेंस, तो दोनों में से जो कम पीरियड हो वो लेते हैं हम। इसमें तो बराबर है इसलिए बराबर ले लें, ठीक है। ये अपना डिस्ट्रप्शन पीरियड है, पॉलिसी ली है इसने 1,65,000 रुपए की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉलिसी अमाउंट 1,65,000। अब क्या कह रहा है, देखो बहुत सारी बातें बताई है अपने को, एक्चुअल टर्नओवर बताया डिस्ट्रप्शन पीरियड का और उससे पीछे के पीरियड का भी बताया है, आग लगी उससे पहले के 12 महीनों की सेल भी बताई है, नेट प्रॉफिट है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज है, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जो रूल्स अपने स्टेप चलेंगे उनमें ये सब चीज़ें काम आएगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है व्यापार में वृद्धि होने के कारण ये तय था कि भाई विक्रय जो है वो हर साल 10% बढ़ेगी। तो हर साल आपका विक्रय 10% बढ़ने वाला है तो उसी के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज का ट्रेंड लगाना है अपने को। और कंपनी के 9,300 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं कंपनी ने ताकि बिक्री बढ़ सके, ठीक है ना। तो 55,000 रुपये की बिक्री हुई है कंपनी की, ठीक है। और आग लगने के कारण बीमित स्थिर व्यय में 2,700 रुपये की सेविंग हुई है, बचत हुई है। सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, बस पॉइंट वाइज चलते जाओ, आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था सबसे पहला पॉइंट होगा अपना कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे निकालनी है, ये अपना इंडेमनिटी पीरियड 1 मार्च 2018 से 31 अगस्त 2018 है, इसका जस्ट पीछे वाला साल मतलब 2017, 1 मार्च 2017 से 31 अगस्त 2017 तक की सेल लेनी। सेल फ्रॉम 1 मार्च 2017 to 31 अगस्त 2017 आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में ऐसी सेल, ये आपको दे रखी है इसमें 2,40,000। लेकिन ये तो सेल पिछले साल हुई थी, इस साल कितनी होनी चाहिए थी इस पीरियड की सेल, तो 10% इंक्रीज का ट्रेंड है बिजनेस में तो 10% इंक्रीज होना चाहिए था। एड 10% इंक्रीज 24,000, मतलब 2,64,000 की सेल होनी चाहिए थी इस साल, लेकिन आग लगने के कारण सेल हुई आपके इस पीरियड की 1 मार्च 2018 से 31 अगस्त 2018 की 80,000 रुपये की हुई है। तो लेस कर देंगे सेल फ्रॉम 1 मार्च 2018 to 31 अगस्त 2018 80,000।
मतलब कितनी बिक्री कम हुई आपके, तो 1,84,000, 1,84,000 की बिक्री कम हुई है, इसको हम लिख देंगे शॉर्ट सेल्स, इतनी बिक्री हमारी कम हुई। ठीक है, शॉर्ट सेल्स के बाद दूसरा पॉइंट क्या है अपना, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ जीपी। जीपी की परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, परसेंटेज ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाइड नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर और मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है इसने 90,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 60,000। 90,000 प्लस 60,000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल है, टर्नओवर फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर 5,00,000 और मल्टीप्लाई, तो जीपी की रेट आ गई 30%। तीन नंबर कैलकुलेशन करोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ लॉस। लॉस कितना हुआ आपको, 1,84,000 की बिक्री का लॉस हुआ है सेल्स का, उसके ऊपर 30% हम प्रॉफिट कमाने वाले थे, तो लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ जीपी, 1,84,000 मल्टीप्लाई 30%, तो ये लॉस हो गया आपके 55,200। अब आप क्या करोगे, एक तो इंश्योरेबल अमाउंट निकालनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेबल अमाउंट, ये कैसे निकालते हैं, आग लगने से जस्ट पहले के 12 महीनों की सेल लेनी होती है। आग लगी 1 मार्च 2018 को, इससे पहले के 12 महीने कौन से होंगे, 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018, सेल फ्रॉम 1 मार्च 2017 to 28 फरवरी 2018, आग लगने से पहले के 12 महीने हैं, और इसकी सेल अपने को क्वेश्चन में गिवन है 6,00,000। इसमें भी तो 10% इंक्रीज का ट्रेंड लगेगा, एड इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10%, तो यदि 60,000 रुपये इंक्रीज होती तो 6,60,000 रुपये होता है अपना सेल, एडजस्टेड सेल्स कहते हैं हम इसको। तो आपको पॉलिसी इंश्योरेंस कितने की करवानी चाहिए थी, तो एडजस्टेड सेल जितनी आई है उस पर जीपी का परसेंटेज अप्लाई कर दो, तो इंश्योरेबल अमाउंट आ जाएगी, इंश्योरेबल अमाउंट 6,60,000 मल्टीप्लाई 30%, तो ये आया आपके 1,98,000। मतलब आपको इंश्योरेंस 1,98,000 की कम से कम करवानी चाहिए थी, लेकिन आपने करवाई तो 1,65,000 की, तो एवरेज क्लॉज औसत वाक्य लागू हो जाएगा, यदि आपने पूरी करवा ली होती तो औसत वाक्य लागू नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। अच्छा, उसके बाद में अब हम क्या निकालेंगे, एक जो एडिशनल खर्चे हुए ना, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। एडिशनल वर्किंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें पहले तो ये देखो एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस 9,300 का, बी ये देखेंगे इन खर्चों के कारण सेल में कितनी वृद्धि हुई है, तो सेल अपनी 55,000 रुपये की वृद्धि हुई है, ये कह रहा है आग लगने के बाद, तो 55,000 में 30% अपना जीपी है, इंक्रीज इन प्रॉफिट 55,000 का 30%,
ये हो जाएगा आपके 16,500। सेल में जो वृद्धि हुई है वो 55,000 का 30%, 16,500। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, लेते हैं इसका हम नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाई एडिशनल खर्चे जो हुए हैं वो लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट तो है अपना देखो 90,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 60,000 अपॉन 90,000 प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, जो 60,000 इंश्योर्ड है और 5,000 अनइंश्योर्ड है, तो ऑल स्टैंडिंग चार्जेस जो है 65,000 और एडिशनल खर्चा है अपने 9,300। तो ये पॉइंट आप नहीं लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट उससे कम ही आएगा, ये इसके बराबर आएगा। तो इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, आप सीधे दो पॉइंट याद रख लो, ये और ये दोनों पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो ये आपके आएगा 9,000। अब इन दोनों में से जो कम हो, ए एंड बी विच एवर इज लेस, दोनों में से कम क्या है 9,000, इसमें भी जितने खर्चों की आपने सेविंग कर ली है वो घटाने पड़ेंगे अपने को। तो लेस कर देंगे सेविंग इन एक्सपेंस, 2,700 रुपए की सेविंग कर ली है इसने, तो फिर आपका जो क्लेम बनेगा खर्चों का वो 6,300 रुपए का बनेगा। अब देखो खर्चों का क्लेम भी आ गया और थर्ड पॉइंट में आपने लॉस निकाला था 55,200 का, वो भी आ गया। तो टोटल क्लेम आपका बन रहा है 55,200 तो लॉस का और 6,300 खर्चों का, 61,500 का आपका क्लेम बनता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको 61,500 नहीं देगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कम की कराई है, औसत वाक्य लागू होना है एवरेज क्लॉज। अब नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट जो है एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। यदि आपने इंश्योरेंस ज्यादा की कराई होती तब तो पूरा पेमेंट मिल जाता आपको 61,500 का, लेकिन अभी आपने इंश्योरेंस तो कम की कराई है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। एवरेज क्लॉज में क्लेम का अमाउंट कितना होगा, तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट और मल्टीप्लाई टोटल लॉस। ये टोटल लॉस ही है, टोटल क्लेम कह दो या टोटल लॉस कह दो। इंश्योर्ड अमाउंट है आपकी 1,65,000, इंश्योरेबल अमाउंट है 1,98,000 और टोटल लॉस हुआ है आपके 61,500 का। तो ऐसे केस में आपको टोटल जो नेट क्लेम मिलेगा वो 51,250 रुपये का मिलेगा, 51,250 का टोटल क्लेम आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं, इसके ज़्यादा माथा पच्ची की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स को ध्यान में रखो, सिस्टम को ध्यान में रखो, क्वेश्चन होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।